पब्लिक टॉयलेट्स, हम औरतों को या तो सफ़र नहीं करना चाहिए या कहीं बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। और बाहर निकलते हैं तो फिर क्या करें? या तो पानी नहीं पीना चाहिए, अगर पानी पीते हैं तो फिर क्या करें? डायपर्स यूज़ करना चाहिए। बिकॉज पब्लिक टॉयलेट्स में जाना तो ऐसा लगता है जैसे किसी सड़ी हुई डेड बॉडी के बगल में बैठे हों। और कभी कभी तो लगता है पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने से बेटर है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएं, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, ड्रिप लगवा लेंगे, पर पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं करेंगे। छी, इतने सड़े हुए पब्लिक टॉयलेट्स, इतनी गंदगी, इतनी बदबू शायद कब्रिस्तान से भी नहीं आती होगी। बस इतना समझ लीजिए कि वहाँ के जो बैक्टीरिया है ना, अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो वे मास्क लगाए हुए मिलेंगे और सोच रहे होंगे कि बुरे कर्म किए थे इसीलिए इस टॉयलेट में हैं। अगर अच्छे कर्म किए होते तो कहीं दही जमा रहे होते। बुरे कर्म का बुरा नतीजा उन पर बैक्टीरियाज के साथ में भी। बेचारे इस मतलब कदर मास्क लगा, डबल लाइनिंग वाले मास्क यूज़ करते होंगे वो बैक्टीरिया। और तो और इन टॉयलेट्स में तो कॉकरोच भी नहीं पाए जाते, क्योंकि कॉकरोच भी सोचते हैं हमारे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, और हम अपने बच्चों को अगर इनमें छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी क्या कहेंगे, हम कैसी अपब्रिंगिंग अपने बच्चों को देंगे। छी, इससे अच्छा तो हमारी किचन की नालियाँ ही होती हैं, तो कॉकरोच भी वहाँ जाना अवॉइड करते हैं। ये हैं पब्लिक टॉयलेट्स। कॉकरोच भी सोचते हैं अगर हम अपने बच्चों को यहाँ रखेंगे तो हमारे बच्चे भी गंदगी सीख जाएंगे। छी, और बड़ी कुछ खूबियों के साथ होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स। वहाँ एक खाचा या गत्ता लटका रहता है जिस जो होता है खाली, और जिस पे लिखा होता है एक बार में एक टिश्यू यूज़ करें। क्या यूज़ करें, टिश्यू तो है ही नहीं। और सबसे मस्त हाल तो फ्लैश का होता है, पानी होता नहीं। हाँ, जब टिश्यू नहीं है, सामने गत्ता लटक रहा है, पानी तो दिख ही नहीं रहा है उसमें है या नहीं, पानी है ही नहीं, फ्लैश दबाओ तो क्या पता फ्लैश का फ्लैप उचक के उछल कर आपके मुंह पे जा लगे। सबसे बुरा हाल तो होता है कि कुछ में तो लैचेस यानी कि कुंडी ही नहीं होती है। अब सोचिए कंडीशन क्या है, आपको टॉयलेट तो आई है, अब एक हाथ से आप दरवाजा पकड़ेंगे ऐसे और एक हाथ से अपनी इज्जत यानी कि पचा नहीं पकड़िए तो बेइज्जत हो जाइए।